और बात उज्जैन की करेंगे, जहां महाकाल मंदिर में वर्तमान में की गई नई व्यवस्था से अब पन्ने पुजारी भी नाराज दिख रहे हैं। पन्ने पुजारियों ने सुजान सिंह रावत महाकाल मंदिर प्रशासक को ज्ञापन सौंप कर उनके जजमानों के लिए प्रवेश देने और आम दिनों में नई व्यवस्था को लागू नहीं करने की मांग की है। कमलनाथ सरकार के प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पिछले दिनों महाकाल मंदिर में वीआईपी कल्चर को समाप्त करते हुए नई दर्शन व्यवस्था लागू की थी, जहां एक घंटा सुबह 6 से 7 और एक घंटा शाम को 3 से 4 बजे तक ही वीआईपी बाबा महाकाल का पूजन अर्चन करेंगे। और इस व्यवस्था को लेकर अब धीरे धीरे विरोध भी सामने आने लगा है। जी हाँ, शनिवार को पन्ने पुजारियों ने और पुरोहितों ने मिलकर महाकाल मंदिर के प्रशासक सुजान सिंह रावत को एक ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि महाकाल मंदिर से भी सभी ब्राह्मणों की रोजी रोटी चलती है और ऐसे में नई व्यवस्था के कारण जजमान दर्शन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। पन्ने पुजारियों की रोजी रोटी पर भी संकट छाने लगा है और उन्होंने मांग की है कि आम दिनों में जो दर्शन व्यवस्था पहले रहती थी वो दोबारा लागू की जाए और पन्ने पुजारियों और पुरोहितों के यजमान को भी प्रवेश दिया जाए। वहीं प्रशासक का इस पूरे मामले में कहना है कि इस पूरी व्यवस्था पर विचार विमर्श कर आगे फैसला लिया जाएगा। देखिए, मंदिर के पुजारी और पुरोहित के द्वारा एक ज्ञापन अभी दिया है और शासन द्वारा भी निर्णय लिया है कि जो वीआईपी दर्शन होता है, रसीद की मदद से जो दर्शन होता है, उसका हमने समय फिक्स किया है ताकि आम श्रद्धालुओं को उसमें समस्याएं ना आए। तो उससे के संबंध में उनके कुछ सुझाव हैं और अभी उन्होंने ज्ञापन दिया है, उनसे चर्चा भी हुई है, तो उनके ज्ञापन के आधार पर अब हम लोग एक बार रिव्यू करेंगे, देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। कुछ उनका रसीद का इशू है, कुछ उनके स्वयं के दर्शन का विषय है, चूँकि निर्णय भी लिया है, हम देख रहे हैं इसके क्या सकारात्मक आधार हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। हमारी तो जो मांग है, मंदिर की अच्छी व्यवस्था हो और दूसरी जो हमारे पुजारी और पुरोहित परिवार जो आदि अनादि समय से यहाँ जुड़ा हुआ है, जिसकी रोजी रोटी भी इसी मंदिर से है और इसी मंदिर में वो जीवन जिया है और इसी मंदिर में उसने जीवन को मरा है, और आज इस धरोहर को सुरक्षित रखने वाला यदि कोई शख्स है तो यहाँ का पुरोहित और पुजारी परिवार है, जो आज ये धरोहर यहाँ खड़ी है। कई मरतब आक्रमण हुए, ये हुए दुनिया है, और कई मरतब ऐसी ऐसी बातें आई, उसको झेला है पुजारी और पुरोहित परिवार ने। आज के समय में हम लोगों को ऐसा लगने लगा कि हमारा मान सम्मान और हमारी रोजी रोटी छीनने की कगार पे आ गई है। आज सभी समस्त पुजारी पुरोहित ने अपना सम्मान बचाने, अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए और ससम्मान पूजा सेवा करने का, अपने यजमानों को पूजा सेवा कराने के लिए एक ज्ञापन प्रशासक महोदय को दिया है और उनसे आशा की है कि वो सहानुभूतिपूर्वक तरीके से हम लोगों के परिवार के विषय में ऐसा निर्णय करें जिससे हमारी आत्मा को ग्लानि न हो, हमारा सम्मान कायम रहे।